हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट वायलेंट मैन सलार के बारे में, और सलार की जिस तरह से अपडेट निकल के आ रहे हैं। अभी हाल ही में दो अपडेट निकल के आए हैं, कुछ इसके VFX यानी कि सीन्स को लेकर, और दूसरा एक नया इम्पोर्टेंट रोल जो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं पर स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, डार्लिंग फैंस के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि डार्क सेंट्रिक जो टेक्नोलॉजी होता है वो हॉलीवुड टेनेंट और रैम्पेज जैसे फिल्म में हमको देखने को मिलता है। और फाइनली ये इंडिया में पहली बार हो रहा है कि प्रभास सर के फिल्म में हमको ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है, और सलार में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। किस तरह का सीन बनेगा अगर हॉलीवुड फिल्म में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो फिल्म सलार में हमको देखने को मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा लेवल का फिल्म ये बनने वाला है। और अभी जो नया कैरेक्टर है यानी कि ईश्वरी राव, तो उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, और दो तीन रूमर्स निकल रहे हैं कि शायद इसका जो उनका रोल है वो मदर का होने वाला है, क्योंकि KGF चैप्टर 2 का जो टीज़र आया था उसमें हमने देखा था कि किस तरह का उनका लुक था, तो वो कितना अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे इस रोल में। तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि उनका जो रोल है वो किस तरह का होने वाला है, यानी कि मदर का रोल है या कि कुछ और उसमें हमको देखने को मिलेगा, तो फाइनल अपडेट आना बाकी। फाइनल न्यूज़ ये है कि ईश्वरी राव इस कैरेक्टर के लिए फाइनलाइज हो चुके हैं, और उनका शूट जो है अगले कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। सो आप इस अपडेट को लेके कितने एक्साइटेड हो कमेंट में ज़रूर बताना, और आप सलार के फ़ैन हो कि नहीं कमेंट में ज़रूर बोलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।